मुंबई के कांदीवली पुलिस ने चोरी के आरोप में करीम खान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने 28 अप्रैल तक करीम को पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी के दौरान करीम की कोरोना रिपोर्ट आई, जिसमें वो कोरोना से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद आरोपी को कांदीवली के साई नगर कोविड सेंटर में इलाज के लिए पुलिस की निगरानी में एडमिट किया गया था। क्वारंटीन सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां से आरोपी करीम बाथरूम का दरवाजा तोड़कर फरार हो गया था। इसके जानकारी कांदीवली पुलिस को मिली और जानकारी मिलते ही तीन टीम बनाई गई और आरोपी को ढूंढने के लिए, लेकिन आरोपी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस समय कोरोना के चलते हर जगह हालत खराब है और ऐसे में कोई संक्रमित होने के बाद फरार होता है तो न जाने कितने लोगों को संक्रमित करेगा, इसका खतरा पुलिस को। पुलिस ने तुरंत करीम के घर वाले से बात किया और बताया कि करीम कोरोना से संक्रमित है और अगर वो यहाँ आता है तो लोगों के लिए खतरा होगा। कुछ समय बाद करीम का कॉल उसके पत्नी को आता है मिलने के लिए। इसकी जानकारी कांदीवली पुलिस को करीम की पत्नी ने दिया। पुलिस ने जाल बिछा के रखा। जैसे करीम घर में आया, पुलिस ने उसको धर दबोचा। करीम को पीपीई किट पहना के नजदीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया है, जो क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया था। क्या है, कांदीवली पुलिस स्टेशन में रात में एक घरपोरी का केस दर्ज हो गया था और दर्ज होने के बाद दो तीन दुकान में चोरी हो गया था और मेडिकल सेंटर में भी चोरी हो गया था। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन करके हमारे डिटेक्शन ऑफर पीएसआर पावर और टीम ने अच्छा काम करके रिक्शा के साथ उसको अरेस्ट किया था। पाकिस्तान को अरेस्ट करने के बाद उसको 28 तारीख तक कोविड टेस्ट भी मिला था। इसके बीच में उसका कोविड टेस्ट किया तो उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तुरंत हमने उसको साई नगर में कोविड सेंटर है उधर उसको क्वारंटाइन करके रखा था और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही थी। हमारे गार्ड नीचे लगाए थे, लेकिन वो दूसरे माले से खिड़की से ग्रिल के अंदर से नीचे उतर के वो भाग गया था और भाग जाने के बाद हमने तुरंत ढूंढा तो नहीं मिला, तो उसके खिलाफ हमने कस्टडी से भाग गया, इसलिए उसके खिलाफ टेस्ट रजिस्टर कर लिया। कोविड होते हुए भाग गया और कोविड का प्रयोग करेगा, इसलिए उसके खिलाफ टेस्ट रजिस्टर करके उसको ढूंढ रहे थे। हमने तीन टीम लगाया था उसको ढूंढने के लिए, लेकिन इधर से भागने के बाद वो घर से नहीं गया, इधर उधर से वो घर पर फ़ोन कर रहा था। लेकिन 24 घंटे के अंदर हमने उसको सही आनंद नगर वसूरा से वो पत्नी को मिलने के लिए आना है, उसकी खबर मिलने के बाद उसको पकड़ के तुरंत उसको किसी से पहना के पुलिस स्टेशन ला के उसको अरेस्ट करके अभी सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में उसको रखा है आगे ट्रीटमेंट के लिए।